शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये तो दी के कपड़े हैं, दी की फेवरेट पिंक साड़ी। इसकी ये मजाल कि ये मेरी दी के कपड़ों को हाथ लगाए। दूसरा समय के लिए कुरियर। अन्नी, तेरा कुरियर है बेटा। क्या है मम्मा? देखना तेरा कुरियर है, पहले तू साइन कर ले। थैंक। ये ले बेटा। किसका है? कहां से आया बेटा? अरे देखने तो दो, भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है। मतलब इसमें जो भी है वो सरप्राइज है। सरप्राइज है? आई नो ये किसका काम हो सकता है। किसका? प्रिया का। और किसका? उसे कॉलेज में भी बड़ा शौक था सबको सरप्राइज गिफ्ट देने का। देखती हूँ क्या भेजा है मोटी ने। दुनिया बदल जाएगी मम्मा, पर ये लड़की ना। ड्रेस, लेकिन इतनी महंगी ड्रेस मेरे लिए कौन भेजेगा? प्रिया? नहीं नहीं, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं पहन के देखती हूँ कैसी लगती है। सोचा था आज अपने सच्चे प्यार का तुम्हें सबूत दूंगा, एहसास दिलाऊंगा कि दीवान के दिल पे पहली बार किसी ने प्यार की दस्तक दी। लेकिन आज शायद मेरे स्टार्स मेरे फेवर में नहीं, इसलिए तुम आई तो सही
लेकिन मेरी बात बिना सुने ही चली गई। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर सोचा कि ठीक है, आखिर किसी शायर ने यूं ही तो नहीं कहा ना कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तुम्हारे लिए ये ड्रेस ली, सोचा था अपने हाथों से तुम्हें दूंगा, लेकिन देखो ना, मुझसे ज्यादा लकी तो वो कोरियर बॉय है जिसके हाथ से तुम्हें ये ड्रेस मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि प्यार का ये पहला तोहफा तुम्हें पसंद आएगा। विद ऑल माई लव, देव। Just love it, Dev. ग्लास यहां कैसे गिर गया? इस बिल्ली का तो कुछ करना ही पड़ेगा। बात तो है देवान की चॉइस में। अरे वाह, मेरी बिटिया तो बहुत प्यारी लग रही है। बहुत महंगा ड्रेस है, प्रिया ने भेजा होगा ना? हाँ, लेकिन जितना महंगा लग रहा है उतना है नहीं। अच्छा, तो फिर एक्सपोर्ट सरप्लस होगा। कैसी लग रही हूँ? कहा ना, बहुत प्यारी लग रही है, कहीं तुझे माँ की नजर न लग जाए। अरे ये तो बेटा एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं लग रहा है, ये तो बहुत महंगी वाली ड्रेस है। हाँ? ओफो मामा, आप ही कहती है ना कि तोहफे की कीमत नहीं देने वाले की भावना देखनी चाहिए, और खुद ही तभी से महंगी ड्रेस किए जा रही है। सॉरी बाबा सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि प्रिया तुम्हारी इतनी पक्की सहेली है और इतने महंगे तोहफे देती है। अब एक काम कर, तू भी उसके लिए कुछ अच्छा सा खरीद के ले जाना, क्योंकि बेटा दोस्ती में सिर्फ लेना अच्छा नहीं होता है। हुँ?
ये कैसे हो गया? लेकिन मुझे तो अच्छे से याद है, मैं प्रेस यहाँ रख के गई थी, फिर ये प्रेस इस साड़ी पर कैसे आ गई? मैं अंबर को क्या कहूंगी? हे भगवान, ओ गॉड, ये तो नताशा की सबसे प्यारी साड़ी थी, तूने जला दी डायन कहीं की? मेरी बेटी को तो पहले ही खा ली, अब उसकी चीजों को भी जला देना चाहती है। हाय मेरे बच्चे की साड़ी, तुझे शर्म नहीं आई एक मरी हुई औरत की साड़ी जलाते हुए? कृष्णा तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये देखिए नियति ने क्या कर डाला, नियति ने नताशा की साड़ी जला दी। उसकी ये फेवरेट साड़ी थी, सिद्ध ने उसको दी थी। उसकी हर चीजें हर यादें मिटाने पे तुली हुई है वो। अरे जो इस दुनिया में ही नहीं है उसके साथ में इतनी जेलसी, वो ऐसा क्यों कर रही है? डायन भी साथ घर छोड़ती है लेकिन ये तो सिट बेटा, मेरी बेटी तो चली गई ना, अब उसकी यादों को देखकर ही हम सबर करते हैं। फिर बेटा तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी चीजों की दुर्गति करना पाप होता है। तुम इसे कहो कि आइंदा ये ऐसा ना करे। प्लीज बेटा। अरे आप ये क्या कर रही हैं? हाथ क्यों जोड़ रही हैं? तुम्हें क्या करूं? अब तुम ही कुछ फैसला कर दो, तुम जो भी कहोगे हमें मंजूर है, पर इसके हाथ का खाना खाने को मत बोलना, वरना मरते दम तक मुझे उपवास ही रखना पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रही? तो मैं क्या करूं तुम ही बताओ बेटा। मेरी बेटी को तो इसकी नजर नहीं पहले खा ली और अब धीरे धीरे उसकी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है। उसकी चीजों ने इसका क्या बिगाड़ा है? ऐसे तो धीरे धीरे हर याद को जलाकर मिटा देगी ये। ये मैंने नहीं किया अंबर, आई सुबह मैं सच कह रही हूँ, मैं नताशा की साड़ी प्रेस करने के लिए जरूर लाई थी लेकिन मुझे किचन से आवाज आई और मुझे अच्छे से याद अंबर, मैं प्रेस अलग रख कर गई थी। वापस आकर देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रेस साड़ी पर कैसे आई। बिलीव मी, मैं झूठ बोल रही है ये औरत, झूठ बोल रही है। अरे इसे शर्म भी नहीं आ रही, नताशा ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, वो तो इसकी बेटी को अपनी माँ की तरह पालने को भी तैयार हो गई थी और ये उसकी चीजों को ऐसे जला रही है। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी आंटी जी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो प्रेस साड़ी पर कैसे आई। तो इसका इल्जाम भी तुम मुझ पर लगा दो। हाँ चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो तुम ये कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कृष्णा राव ने ये साड़ी जलाई है, हाँ बोलो बोलो, ये बोलना चाहती हो ना तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें नताशा की किसी भी चीज को हाथ लगाने की? I'm sorry मामा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम नताशा की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, समझ में आया ना?
दीजिए। चलो, आज ये मोर्चा भी फतेह हो ही गया। अब यहां से तुम्हें सिर्फ नीचे ही लुढ़कना है नियति शास्त्री। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर अब इन लोगों की नजर में तुम कभी नहीं उठ पाओगी। आई थिंक ये सब कुछ गलती से हुआ है। मुझे नहीं लगता कि नियति ये सब कुछ जानबूझकर करे। अपना ये मुबारक ख्याल ना अपने पास ही रखिए। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो मिस्टर राव। हमारे देखते देखते एक के बाद एक कांड पे कांड किए जा रही है और आपको अभी भी वो इनोसेंट लग रही है। वैसे तो आपको हर ऐरे गहरे पे भरोसा करने की बीमारी है। इसी आदत की वजह से आज हमने अपनी बेटी खो दी है और दिन रात मुझे डुकू की फिक्र रहती है कि पता नहीं वो चुड़ैल उसके साथ कैसा सलूक कर रही होगी। और इतना सब होने के बाद भी आप उसी के गुणगान गाए जा रहे हो मिस्टर राव। शेम ऑन यू।